हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है और इसमें हम लोग रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं जो यूनिट 2 में आता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आज हम लोगों को मैट्रिक्स पढ़नी है, रिलेशन में मैट्रिक्स पढ़नी है। कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए। एक सेट गिवन है, सेट के मेंबर्स हैं 1, 3, 4 ऑन इटसेल्फ एंड डिफाइंड बाय आर। रिलेशन दिया है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर जो दिए हुए 1, 1, 3, 3, 4, देन फाइंड रिलेशन मैट्रिक्स। तो रिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करना है तो उसको हम कैसे निकालते हैं वो आज आपको समझना है। तो मैट्रिक्स को एम से डिनोट करते हैं, रिलेशन को आर से। तो एम आर का मतलब है कि हम लोग रिलेशन मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं। अब सेट में कितने मेंबर्स हैं, 1, 3, 4, तो हमने 1, 3, 4 इधर भी लिख लिया 1, 3, 4। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैट्रिक्स का जो साइन है उसके ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए करना कैसे, इसके अंदर 1 और 0 कैसे आए उसको आप लोगों को समझना है। तो देखिए ये है 1 और ये है 1, तो 1 से 1 का अगर ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो क्या बनेगा, 1, 1। तो क्या ये रिलेशन में क्वेश्चन में गिवन है, 1, 1 गिवन है? अगर तो देखिए गिवन है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, अगर नहीं गिवन होता तो 0 लिखते हैं। अब 1 का 3 से बनाइए ऑर्डर्ड पेयर, तो 1, 3 बन रहा है, तो 1, 3 गिवन है, गिवन है इसलिए हमने 1 लिख दिया। फिर 1 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए तो 1, 4 बनेगा, 1, 4 आपके रिलेशन में गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें 3 से करना है इन तीनों को, 1, 3, 4 को, तो 3, 1 गिवन है, नहीं 0 हो गया। 3, 3 गिवन है, गिवन है 1 लिख दिया। 3, 4 गिवन है, नहीं गिवन है तो 0 लिख दिया। अब 4 का 1, 3, 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 4, 1 गिवन है, नहीं 0 लिख दिया। 4, 3 गिवन है, नहीं 0 लिख दिया। 4, 4 गिवन है, गिवन है 4, 4 रिलेशन में तो हमने इसकी जगह पे 1 लिख दिया। तो ये इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स रिलेशन बनती है, फाइंड करते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसमें रिलेशन हमें गिवन था, दे दिया था हमें रिलेशन, पर किसी किसी में रिलेशन गिवन नहीं होगा और उसकी जगह कोई कंडीशन गिवन होगी तो हमें आर भी निकालना पड़ेगा। और जब हम आर निकाल लेंगे उसके बाद हम फिर रिलेशन मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।